नमस्कार, मैं पूजा यादव और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। योगेश्वर स्वामी देवी दयाल जी महाराज, जिनकी जन्म शताब्दी बड़े धूमधाम से सेक्टर 30 स्थित योग दिव्य मंदिर में 6 मार्च से शुरू होकर 8 मार्च तक आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रधान योगाचार्य योगीराज स्वामी लाल जी महाराज के सानिध्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में स्वामी देवी दयाल जी के शिष्य एवं चंडीगढ़ योग सभा के सचिव नरेश कुमार जी के जानेंगे प्रभु जी के योग मिशन के बारे में। देखें, नमस्कार सभी को, जय श्री प्रभु जी की। वैसे तो योग 5000 साल पुराना है महर्षि पतंजलि के टाइम से, लेकिन जो योग की पुनरावृत्ति हुई है प्रभु रामलाल जी ने इस युग में अपने शिष्यों के माध्यम से की है, वो बड़ी ही अद्भुत है। प्राचीन योग विद्या को भूलकर हम लोग दुर्बल, कमजोर, चिंतासुर और निराश, हताश हैं, वासनाओं से घिरे हुए मृत प्राय अवस्था को प्राप्त हो रहे थे। ऐसी दुर्दशा को देखकर प्रभु करुणा सागर प्रभु रामलाल जी मानव तत्व में प्रकट हुए और लुप्त योग विद्या को पुनर्जन्म देने के लिए मर्यादावश योगी सदगुरु देव जी खोज में यंत्र तंत्र भ्रमण करते हुए नेपाल की पहाड़ियों से आगे निकलकर दिव्य दृष्टि से दाता महाप्रभु आपके इस तप और त्याग को देखकर अर्धरात्रि के समय स्वयं आपके दर्शन देकर अपने निज आसन स्थान पर आकाश मार्ग द्वारा ले गए। महाप्रभु के आसन स्थान पर पहुँचते ही आप आत्मसमर्पित एवं भक्ति पूर्ण सेवा रूप में हो गए। उसके उपरांत महाप्रभु जी ने प्रसन्न होकर थोड़े ही समय में आपको अभेद कर अष्टांग योग का स्वामी बना दिया। प्रभु रामलाल जी ने जो जीवन तत्व गृहस्थियों के लिए निकाला बहुत ही अद्भुत है। इसके 7 अंग हैं। श्री दादा गुरुदेव प्रभु रामलाल प्रभु जोशी वंश में अवतरित हुए सर्वकला संपूर्ण योगेश्वर श्री प्रभु रामलाल प्रभु पंजाब प्रांत में अमृतसर नगर कूचा भाई संत सिंह में संवत 1945 चैत्र शुक्ला नवमी बृहस्पतिवार ईस्ट 6 घड़ी 56 पल वर्षव लग्न पर अवतरित हुए। आपके परम पूज्य पिताजी श्री गंडाराम जी था, माता जी का नाम श्री भागवंत जी था। आप बाल्यकाल में भगवान जी के चित्र देखते रहते थे और टकटकी लगाकर देखते रहते थे। अंत में श्री दादा गुरुदेव श्री प्रभु रामलाल महापुरुष सन 1938 में बसंत पंचमी के दिन प्रातः कई अलौकिक घटनाओं के साथ मर्यादा रूप से भौतिक शरीर रूप त्याग कर दिव्य शरीर से आकाश गमन कर गए। उसके उपरांत श्री सदगुरु स्वामी मुल्कराज जी महाराज जी का शुभ जन्म प्रांत जिला के गुरदासपुर तहसील बटाला के दिलेरपुर नामक ग्राम में विक्रमी संवत 1955 मकर संक्रांति को हुआ। एवं आप जी सन 1960 में कार्तिक पूर्णिमा को ज्योति ज्योत में समा गए। उसके उपरांत इनके परम शिष्य योग योगेश्वर स्वामी देवीदाल जी महाराज जी का जन्म फागुन मास 1920 में जिला जंग के हवेली दीवान लायलपुर नामक ग्राम में अवतरित हुए। इन्होंने पूरे भारतवर्ष में 60 आश्रमों का निर्माण किया। उन 60 आश्रमों में एक चंडीगढ़ योग सभा का आश्रम भी है, जिसकी स्थापना स्वयं स्वामी देवीदाल जी महाराज जी ने सन 1976 में की और अनेकों योग शिविर कैंप लगाए, जिससे अनेकों निरोगी आत्माएं यहाँ पर आई और उन निरोग होकर प्रभु चरणों में प्रभु जी स्वामी देवीदाल जी महाराज जी ने प्रभु चरणों में लगाया। और 1979 में पंचकूला सेक्टर 12 योग दिव्य मंदिर की स्थापना की। उसके बाद 1992 में योग दिव्य मंदिर की स्थापना मणिमहल चंडीगढ़ में की। इनके अनेकों शिष्य यहाँ पर सेवारत हैं और यहाँ पर फ्री सेवा होती है। चंडीगढ़ योग दिव्य मंदिर सेक्टर 30 में यहाँ पर हजारों साधक आते हैं, जो कि विभिन्न बीमारियों को ग्रसित होते हैं और उन बीमारियों का बगैर दवाई के इलाज यहाँ किया जाता है। और उनके 7 मार्च 2020 को स्वामी देवीदाल जी महाराज जी का जन्म शताब्दी वर्ष बड़े धूमधाम से उनके भक्तों द्वारा और स्वामी लाल जी महाराज जी के सानिध्य में मनाया जा रहा है। सभी आत्मीय जनों से निवेदन है, प्रार्थना है कि ये जो 3 दिवसीय सम्मेलन स्वामी लाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच कर अपने जीवन में योग अपनाएं और इस समय का भरपूर फायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच कर प्रभु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें।
सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। जिथे इस गुर को ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।